मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र का नाम है। इंसान हर वक्त हर लम्हा किसी न किसी सफ़र में, ख्वाह वो सफ़र फिर एक शहर से दूसरे शहर का हो, एक गांव से दूसरे गांव का हो, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का। इंसान हर वक्त सफ़र में ही है, चाहे वो सफ़र किसी मंजिल की तरफ हो, किसी अच्छाई की तरफ हो, किसी चीज़ को पाने की तरफ हो। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी मुसलसल सफ़र का नाम है और हम इस सफ़र का हिस्सा हैं। आज इसी तरह के एक छोटे से सफ़र की दास्तान आपकी नज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे, जिस तरह इस वक्त मैं समेट रहा हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा मौसम है। और आज जो है हम निकले हैं लाहौर के लिए, एक सेटअप का विज़िट करना है, और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल भी है, वो इंशाल्लाह आपको बाद में जाके पता चलेगा। अभी आप मेरे साथ सफ़र इंजॉय करें। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, इस टाइम लाहौर में हैं, और ये हमारे पीछे जो शॉप है इसको रेनोवेट करना है, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर। यहाँ पे जो है हम पॉइंट बनवा रहे हैं, एक जो है ना रिफ्रेशमेंट का, बाबा जी जो है पीछे गाइड कर रहे हैं काम, तो हमने डिसाइड कर लिया कि रिफ्रेशमेंट का काम यहाँ पे करेंगे। तो उसका किचन वगैरह किस तरह सेट करना है, किस तरह की सेटिंग वगैरह करनी है, वो बाबा जी गाइड कर रहे हैं। काम जो है वो फाइनल हो चुका है, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट था, गाइड कर दिया पूरे तरीके से, और अभी खाने पीने के लिए कुछ लिया है। उस टाइम सुबह टाइम जो है थोड़ी सी लस्सी पी थी बस, नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो अभी सैंडविच वगैरह लिए हैं, और अभी जा रहे हैं हम एक जगह, और जिस जगह हम जा रहे हैं, एक मिनट भाई एक मिनट सबर, और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ जाके फिर देखते हैं कि फिर बताते हैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं कर्नल अमजद करीम रिधावा साहब की रिहाइश गाह पे, जो अरफा करीम के वालिद साहब हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात थी, बाबा जी के फ़ैन हैं वो, बाबा जी की वीडियोस और रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो आज उनसे हमारी मुलाकात थी, तो चलते हैं। और
जी मैं आपको हम तो आपको देख देख के खाना पकाना सीखे हैं, तो हम आपको सीधा लेके जाएंगे खाने के टेबल पे। जी जी। जो आपकी रेसिपियां देख के मैंने खाना बनाया, बहुत शुक्रिया। चाइनीज राइस, मंचूरियन और भिंडियां, बहुत शुक्रिया, सारा कुछ मैंने बनाया। बल्कि मेरे बेटे जो अभी बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जी जी, जिनको मैंने इन क्वारंटाइन के दिनों में आपकी रेसिपियां सिखा के और मैंने कहा कि पढ़ने के लिए आप इधर हैं, हमारे साथ आए। हर नौजवान को ये चाहिए, बच्चों को, लड़कों को, कि उनको बेसिक खाना बनाना, चावल दाल गोश्त और सब्जी, ये आना चाहिए। और इनको अभी छोटा ही, सिर्फ कटिंग करता है, कहता है मैं लेबर कर देता हूँ, तो हमारे घर की लेडीज जो है ना, वो आपकी शुक्र गुजार है कि आपने हमें खाना बनाना सिखा दिया और उनको हमारे शुक्र। आप उधर आगे आ लें जी, मैं शराबी शाह के साथ आ गया। ताकि आपको बीमार हो ना, आप तो करण साहब खुद भी शेफ बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं बिल्कुल, ये पिछले जो क्वारंटाइन के दिन थे, और ये आपकी मेहरबानी है क्योंकि आपके चैनल को फॉलो करते हुए, बहुत सारे चैनल, लेकिन आपका एक हमारा रवायती जो देहाती या पाकिस्तानी जो ऑर्गेनिक स्टाइल है उसमें आप बात करते हैं, उसको देख देख के मैं, मेरे बेटा सलमान, दाऊद, घर वाले, तो ये जो एक टैबू समझा जाता है कि खाना सिर्फ औरतों ने बनाना, ये भी एक गलत बात। खाना मतलब किसी पुराने हदीस में या किसी, ये तो हमारा कल्चर का हिस्सा बन गया कि खातून जितनी मर्जी मुश्किल में हो, काम करने वाली हो, प्रोफेशनल वुमन हो, सारे बंदे जो हैं 8-8 फुट के, 6-6 फुट के, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई खातून आएगी हमें पका के खिलाए। तो मैंने इस टैबू को भी तोड़ा कि जी क्वारंटाइन के दिनों में मुलाजम भी नहीं था, और जो मुलाजम है वो हेल्प करता है, उसको मैं ही बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि ये इस तरीके से पकाना है, ये पकाना है, और ये हमने खाना। आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें ये सिखाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर जब ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते, ये गया टर्की 5 हफ्ते के लिए, इसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो खाने की, जब बाजार में जाके खाते थे वो इतना महंगा था कि सारे डॉलर जो है उसमें लग जाते, तो जब आप अगर बनाना है तो बनाना आता नहीं। फिर इन्होंने वो वहाँ पे मजबूरी में कभी आलू साड़ रहे हैं, तो कभी चावलों का पप्पा बन रहा है, तो क्या हो रहा है। तो अब ही इज कॉन्फिडेंट कि मैं जहाँ भी दुनिया में हूँ, मैं कहता अपने खाने के लिए टेस्टी खाना बनूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी लाहौर में कमर्शियल इक्विपमेंट को लेकर के, उस पर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मीटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं हाल रोड पे। मुझे एक एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए, हार्ड ड्राइव डाटा स्टोर करने के लिए, तो मेरे पास हैं पहले एक दो, मैंने शायद आपको अपना पहले सेटअप नहीं दिखाया, या अपने जो मेरे पास एक्सेसरीज वगैरह हैं, इक्विपमेंट, वो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोई एक व्लॉग बनाऊंगा अलग से जिसमें आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी वो ड्राइव लेने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये लें जी, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के और उतर उतर के, हाल तो बुरा हो चुका है, लेकिन सामान जो है वो मिल गया है। ड्राइव लेनी थी वो मिल गई है, और कार्ड रीडर लेने थे, लैपटॉप के प्रोटेक्टर वगैरह लेने थे, वो मिल गए, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बाबा जी और ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी अब निकलते हैं वापसी के लिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे इतने इतने बाल थे, मैंने एक दफा ना ये थोड़े दिन हो गए तंग आ गए, मैंने कहा यार जान दो। खाना जो है वो हमने खा लिया है सेवर फूड से, और बाबा जी जो है और अली और ड्राइवर भाई इस टाइम चाय पी रहे हैं, और मैंने चाय नहीं पीनी थी, चाय का मूड नहीं था। खाना हमने खा लिया है और पुलाव थी और साथ चिकन रोस्ट था और साथ था सेवन। बाबा जी और अली चाय पी रहे हैं, तो खाना शाना हो गया है। टाइम क्या हुआ है, 7 बज गए हैं और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 काम थे आज, वो 4-5 काम ही हो गए हैं, और अब हम निकलेंगे वापसी की तरफ इंशाल्लाह नारोवाल।